देखो बेटा, यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो कल वाले लेक्चर च बेटा अपना फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के बारे गल की थी। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे थानू दसिया सी कि इसनों असी लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं और ये सानू क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स बारे दसदा वा। तो जो बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स बारे दसदा। हुण बेटा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना उसकी मैथमेटिकल फॉर्म तो है दिस वन। और अगर किसी पार्टिकल दा किसी बॉडी दा या किसी सिस्टम दा मास कांस्टेंट है तो फिर ये फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए दे बराबर भी लिख सकते हैं ना। और ये गल थानू क्लियरली मेंशन कीती सी कि ये जो फार्मूला है ना एफ इज इक्वल टू एम ए ये सिर्फ उस सिस्टम लिए एप्लीकेबल होएगा जदों मास कांस्टेंट है। पर अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो फिर साढ़े को एक ही ऑप्शन है नेट फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी। पर अगर मास कांस्टेंट है तो फिर तुसी एफ इज इक्वल टू एम ए या एफ इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी दोनों अप्लाई हो जाएंगे। तो एक पॉइंट्स नो क्लियर करना एक टाइम ना आप। दूसरा बेटा देखो एफ का मतलब है नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम और पार्टिकल और बॉडी। हुन बेटा जदों असी नेट फोर्स की गल करते हैं ना तो एक्चुअली जो फोर्सेस है वो डिफरेंट टाइप्स दी हो सकती हैं। तो सब तो पहला तुसी वेरियस फोर्सेस जो एग्जिस्ट कर सकती हैं वा उन्हां दे बारे फैमिलियर होना जरूरी है साडे लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो कि अगर आपां गल करिए वेट ऑफ बॉडी जिसनों असी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोल देने हैं ना और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो वेट है ना एक्चुअली कोई भी जो पार्टिकल है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है कोई भी जो सिस्टम है जो मास पोजेस कर रहा तो उसके ऊपर अर्थ ने ड्यू टू इट्स ओन मास ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करनी है। और उस फोर्स नो असी की कहना वेट ऑफ दैट बॉडी। मतलब जो थोड़ा वेट है ना वो बेसिकली की दस रहा कि थोड़े ऊपर अर्थ कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रही है। और जदों अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करती है तो उसनों असी फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी भी कह देने। तो ये वर्ड तुसी याद रखने हैं बेटा। तो इट मीन्स कि नॉर्मल कंडीशंस दे विच कोई भी पार्टिकल है कोई भी ऑब्जेक्ट है कोई भी सिस्टम है तो उदे ऊपर उसका वेट जो है वो एक्ट करेगा। और वेट ना मतलब है उदे ते एक फोर्स लग रही है। और एक गल याद रखना क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मास भी अब उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ते नाल डायरेक्शन भी है ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है साडे लिए। तो इस करके जदों आपां ये गल मैं बार बार वैक्टर्स टॉपिक तो भी स्टार्ट की हुई है दस रहे हैं जदों कोई भी वैक्टर क्वांटिटी नाल डील करते हैं तुसी तो तुसी उस वैक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है दोनों नू। मतलब ये नहीं है क्योंकि आपां नूं आदत पई है मैग्नीट्यूड नाल डील करन दी तो असी डायरेक्शन नूं इग्नोर कर जाने हैं बट वो गलत होएगा।
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਰਥ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਅਰਥ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਡ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੋ ਜੋ ਵੇਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਐਮ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਵੇਟ ਤੋ ਵੇਟ ਐਮ ਜੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ कॉन्टैक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा हुन देखो गल नूं समझो अगर तुसी से इस वक्त अपने रूम दे अंदर बेड ते बैठे हैं या चेयर ते बैठे हैं है ना तो थोड़े पैर जेड़े है हो सकता जमीन नाल टच कर रहे या नहीं कर रहे बट अगर मान लो हुन एग्जाम्पल देखो बेटा आराम ना गल सुनो अगर थोड़े सामने मतलब इन मैं होर सिंपलीफाई कर देना कि मान लो थोड़े सामने टेबल दे ऊपर एक बुक प्लेस्ड है ठीक है बुक पड़ी हुई या कॉपी रखी हुई है या कोई होर ऑब्जेक्ट टेबल दे ऊपर तुसी रखिया होया ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਬੁੱਕ ਔਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਊ ਟੂ ਟੇਬਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੀਨਸ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ
भी अगर थानू कोई कहे, लिसन, बड़े आराम नाल केयरफुली सुनना माँ, कि अगर थानू कोई बोले कि टेबल दे ऊपर जड़ी बुक पई है बेटा, बुक और टेबल आपस च जुड़े हुए हैं, कोई शक नहीं है ना, पर अगर वो कहे कि टेबल जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब बुक टेबल दे नाल जुड़ी हुई है, कॉन्टेक्ट च है, बट टेबल फ्रिक्शनलेस सरफेस है या स्मूथ सरफेस है, तो अगर स्टेटमेंट चे वर्ड तुसी रीड करते हैं तो उदा मतलब है कि बुक क्योंकि टेबल दे नाल कांटेक्ट बना रही है, इस करके टेबल ने बुक दे ऊपर एक ता कांटेक्ट करके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगानी है और दूसरा फ्रिक्शन लगानी सी, बट क्योंकि टेबल बारे उन्हें कहता कि टेबल जेड़ा वा वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है या स्मूद सरफेस है, तो इस करके उत्थे बुक टेबल दे नाल कांटेक्ट च होन करके टेबल सिर्फ इक्को ही कांटेक्ट फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और किधर नू लगाएगा बेटा, किधर नू, किस डायरेक्शन च, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उदे बारे में हुनी दसन लगा। तो अगर मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस दे नाल कांटेक्ट च है, ता कांटेक्ट दे करके जिड़े सरफेस दे नाल मेरा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट च है बेटा, तो उस सरफेस ने ऑब्जेक्ट दे ऊपर एक ता नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगानी है और दूजा फ्रिक्शन लगानी है इन जनरल, पर अगर मैनू कोई कहे कि ऑब्जेक्ट जिस सरफेस दे नाल कांटेक्ट च है वो सरफेस फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, तो फिर फ्रिक्शन नहीं होनी, फिर सिर्फ इक्को ही कंपोनेंट होना कांटेक्ट फोर्स दा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ होएगा बेटा, हुण इहदे लई थोड़ा ध्यान रखना तुसी कि देखो अगर थोड़े सामने टेबल है, हुण क्योंकि यूजली टेबल दा सरफेस होरिजोंटल हुंदा, तो इस सरफेस दे ऊपर, टेबल दे ऊपर आ बुक प्लेस्ड है, हुण बेटा ये आपां कह के चल रहे हैं, मान के चलते हैं कि सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, हेलो, आवाज बेटा नहीं आ रही,
हम देखो बेटा, ये जो तीन फोर्सेस है ना, इन्हें विचों जड़ी फर्स्ट फोर्स है, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ये जड़ियां बाकी दो फोर्सेस है ना, कांटेक्ट फोर्स, चाहे नॉर्मल रिएक्शन, चाहे फ्रिक्शन, चाहे टेंशन, तो इन्हों का ओरिजिन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो चार्जेस करके होंगी है ना, तो चार्जेस करके मतलब, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जेड़ा वा वो एटम्स का बनया होया, और एटम्स के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स भी है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो ये करके कॉन्टैक्ट फोर्स के टेंशन फोर्सेस जड़िया वा दे कम इन टू एग्जिस्टेंस। तो ये याद रख लेना कि कॉन्टैक्ट फोर्स चाहे नॉर्मल रिएक्शन है, चाहे फ्रिक्शन है, चाहे टेंशन है ना, ये फोर्सेस जड़िया इन्हों का ओरिजन बेसिकली मैटर दा चार्ज पार्टिकल्स तो बनया होना वा, क्योंकि हर मैटर जेड़ा एटम्स तो बनया वा, एटम्स दे अंदर प्रोटॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो चार्जेस दे विच जो चार्जेस करके फोर्स एक्ट करती है उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहने हैं ना। तो उन्होंने दो पार्ट च असी डिवाइड करते हैं, प्लस टू च पढ़ांगे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। बट अदरवाइज तुसी ये याद रखना कि कॉन्टैक्ट फोर्स ते टेंशन इन्हों दोनों का कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेसिकली। नाउ हुन बेटा देखो, हुन एक्चुअली आ गल नू याद रखना तुसी बेटा, देखो जदों भी तुसी मकैनिक्स दी प्रॉब्लम नाल डील करना, पर्टिकुलरली जो अपना पार्ट असी पढ़ रहे हैं वो है डायनामिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी अगला यूनिट है ना, तो ये जिस भी बॉडी नूं तुसी ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बिहेवियर नूं, उसके मोशन बारे तुसी कोई कंक्लूजन निकालना वा, तो सब तो पहला तुसी की करना हूं, देखो हुण आ गल नूं समझियो बेटा, कि अगर आ है एक फ्रिक्शनलेस टेबल, ये फ्रिक्शनलेस है, सो इस करके फ्रिक्शन गेम चो बाहर हो चुकी है। हुन इस टेबल दे ऊपर थोड़े सामने आ ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, और अगर मैं थानू कहां ड्रॉ वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ता इस ऑब्जेक्ट पे केड़ी केड़ी फोर्स लग रही है, ये तो मैं हम स्पेशली थानू कहा ना ड्रॉ करो, बट अदरवाइज जदों आप कहने भी इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर नोट करना, तो ड्रॉ जरूरी नहीं किया जाए कि फोर्सेस ड्रॉ करो, सानू पता होना चाहिए। हुण थानू दसिया कि पहला सब तो पहला स्टार्ट करना, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास है और ये अर्थ के उपर पई है ना, तो टेबल अर्थ पे पिया, टेबल के उपर यह है, तो इस करके अर्थ ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। तो हुण जब तक, हुण गल नूं समझ लियो बेटा, जब तक थानू स्पेशली ये मेंशन नहीं किया जाता कि थोड़ी जी ऑब्जेक्ट है दैट इज लाइंग इन इंटरस्टेलर स्पेस, मतलब वो जगह जिथे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही, तो मतलब वो वर्ड नहीं आ जाता, ग्रेविटी फ्री रीजन वर्ड नहीं आ जाता, तो वह मतलब है कि थोड़ी ऑब्जेक्ट जी है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो थोड़ा ऑब्जेक्ट वेट पोजेस करेगा ही करेगा, तो ये ध्यान च रखना। हुण आ टेबल दे उपर पई बॉडी जिहड़ी है पुत, जिहनूं आपां ग्रीन कलर नाल शो कीता, तो इहदे ते ग्रेविटेशनल फोर्स दे लगन करके केड़ी फोर्स लग रही है, इसदा वेट एम जी। हुण गल नूं समझो पुत, ये जिहड़ा वेट है ना, ये ऑब्जेक्ट ते अर्थ करके फोर्स लग रही है, ठीक है, इदा नहीं कहना भी ये ऑब्जेक्ट टेबल ते फोर्स लगा रहा ना, ये जिहड़ा एम जी है ना ये ऑब्जेक्ट ते फोर्स लग रही है ड्यू टू अर्थ, अर्थ दी ग्रेविटेशनल फोर्स करके, तो एम जी। दूसरा बेटा ध्यान दियो, क्योंकि फ्रिक्शनलेस टेबल है और टेबल आ कॉमन इंटरफेस है पुत, आ कॉमन इंटरफेस है दिस इज, तो हुन क्योंकि टेबल इस ऑब्जेक्ट दे नाल इन टच है, तो फ्रिक्शन तो होनी नहीं, बचे आ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लगना पुत्र, तो नॉर्मल रिएक्शन लगना
आ जिहड़ा कॉमन इंटरफेस है इहदे परपेंडिकुलर। और क्योंकि ये जिहड़ी बॉडी है वो सिर्फ टेबल दे नाल एक साइड तो ही इन टच है, तो इक्को ही कॉमन इंटरफेस होने करके सिंगल नॉर्मल रिएक्शन इक्को ही होएगा। अच्छा हुण टेंशन नहीं होनी, क्यों नहीं होनी? टेंशन उस बॉडी ते फोर्स लगनी है जिहड़ी बॉडी स्ट्रिंग दे नाल, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग दे नाल जुड़ी हुई है, पर ये तो बॉडी जुड़ी नहीं हुई, इस करके इस टेबल दे ऊपर रखी बॉडी ते सिर्फ यही दो फोर्सेस लग रही हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी ते फोर्स लगा रहा वा ऑब्जेक्ट ते फोर्स लगा रहा टेबल कॉन्टैक्ट करके, और दूसरी इस बॉडी का अपना वेट जो अर्थ करके ये ते फोर्स लग रही। ठीक है, इन विचों कोई भी फोर्स टेबल ते नहीं लग रही, ये दोनों फोर्सेस बॉडी ते लग रही हैं और एक टेबल लगा रहा दूजी अर्थ लगा रही है, तो ये पॉइंट नु समझना। हुण बेटा हुण अगर मान लो आ इनक्लाइंड सरफेस है फ्रिक्शनलेस, तो इस केस दे विच जेड़ा ऑब्जेक्ट है बेटा ओदे ते केड़ी केड़ी फोर्स लगनी है? तो ग्रेविटी तो लगनी लगनी है। ग्रेविटी किदा लगनी है? हमेशा ऑब्जेक्ट जिदा मर्जी पिया होवे जिधर नू मर्जी जाए ग्रेविटी हमेशा पुत वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगनी है। जेड़ी वेट दी डायरेक्शन है ना वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन आनी है, टेढ़ी लाइन नहीं आनी, वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन, ये ध्यान च रखियो। पर हुन इत्थे बेटा दूसरी फोर्स केड़ी लगनी है? दैट इज ड्यू टू कॉन्टैक्ट, आ है कॉमन इंटरफेस, तो इस कॉमन इंटरफेस करके इहदे परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा हुण एक गल सुनो, अगर ता ए ऑब्जेक्ट इस तरह वा तो इहदे ते दो ही फोर्सेस लग रही हैं एन एंड एम जी, तो एम जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है जबकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉमन इंटरफेस दे परपेंडिकुलर है। हुण दोबारा सुनियो पुत गल, तो इत्थे टेंशन नहीं होनी क्योंकि टेंशन क्योंकि ये स्ट्रिंग नाल जुड़ी नहीं हुई, तो टेंशन नहीं होनी। पर अगर मान लो वो थानू कहना वा कि आ एक फिक्स्ड सरफेस है, आ एक फिक्स सरफेस है और ये नाल आपां स्ट्रिंग बनी हुई है, दा रस्सी बनी है, तो आ स्ट्रिंग है बुत। हुण क्योंकि हुण इत्थे गल सुनियो, क्योंकि हुण हुण इस केस च ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग दे नाल जुड़ गया, ठीक है, तो हुण इत्थे टेंशन आएगी, टेंशन आएगी, और टेंशन दी डायरेक्शन जिहड़ी एरो है, हुण देखो सिर्फ एरो दे ध्यान दियो, जिहड़ा टेंशन वाला रेड कलर दा एरो मैं शो कीता वा बेटा स्ट्रिंग दे विच, तो ए फोर्स बॉडी ते लग रही है ड्यू टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये बॉडी रस्सी नाल जुड़ी हुई है। देखो बेटा थोड़े सामने ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो इनक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस ते प्लेस्ड है और उन्हों एक साइड तो रस्सी नाल बन के फिक्स्ड पॉइंट नाल जोड़िया होया रेड कलर दी। हुण ये जिहड़ा रस्सी है लाल कलर दी मैं दिखाई है क्योंकि ये नाल ऑब्जेक्ट जुड़ गया, हुन तो स्ट्रिंग दे नाल जुड़े होने करके हुन ऑब्जेक्ट ते टेंशन फोर्स भी लगेगी, तो ये जिहड़ा टी शो कीता वा मैं उहदा एरो भी मैं दिखाया, तो अगर तुसी इस रेड कलर दे एरो वाल ध्यान दियो टी दे नाल जिहड़ा मैं एरो पाया, तो ये एरो दस रहा कि टेंशन दी डायरेक्शन की है ना, तो ये जिहड़ा एरो है ये इदा लग रहा भी इहदे करके बॉडी उपर नू पुल हो रही है, क्योंकि टेंशन दे करके बॉडी पुल हो सकती है पर पुश कभी भी नहीं होएगी, इस करके जो एरो है ना टेंशन वाला एरो है ये हमेशा इस तरह शो होना कि ये बॉडी दे नू पुल करदा लगे लगे, उदे करके बॉडी पुल हो रही है कि नहीं हो रही रेस्ट पे है वो एक अलग इशू है, पर टेंशन दी डायरेक्शन बॉडी दे ऊपर इदा शो होनी चाहिए है कि बॉडी पुल हुंदी हुई महसूस होए, तो ये जो एरो है अगर ये डायरेक्शन तुसी नीचे नू कर देने उल्ट तो थानू लगेगा कि ये एरो बॉडी नू धक्का मार रहा पुश कर रहा जो कि टेंशन करके पॉसिबल नहीं है, इस करके याद रखना। हुण बेटा जदों ये बॉडी थोड़े सामने रखी हुई है तो
ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਐਮਜੀ, ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਐਮਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰੱਸੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਤੋ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਬਾਡੀ ਤੇ? ਸਰਫੇਸ, ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਸਰਫੇਸ। ਵੇਟ ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ? ਅਰਥ, ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅਟੈਚਡ ਵਿਦ ਦ ਬਾਡੀ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਵੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਊਟਨਸ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਪਰ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਅ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਮੀਨਿੰਗ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਨਾ ਡੈਪਥ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਬਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲਿਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆ ਬੇਟਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲੈਸ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲੈਸ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਸਮੂਹਨ ਚਿਰਾਗ, ਨਵਨੀਤ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਬਲਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ।